CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्सत उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। क्या करें? हाँ, दाना रख देते हैं और पानी भी रख देंगे। हाँ हाँ भैया, ये बड़ा ठीक है। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? हाँ। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। क्या करें? हाँ। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। भैया मैं भी करूं? श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। भैया मैं भी करूं? रुक जा, पहले मुझे साफ तो करने दे। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। हम्म,
अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़िया खड़ी होंगी कैसे? क्या करूं? क्या करूं? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी, केशव ने झुंझला कर कहा। ओफो, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। ठीक है भैया। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। ये लो भैया। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। हाँ। और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। चलो लेटो लेटो सो। बाहर बहुत गर्मी है, अब लेटो, आंखें बंद करो। चलो लेटो सो जाओ। सो जाओ। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे। चल चल उठे, माँ सो गई है। ठीक है भैया। और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। भैया, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्नेस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। पकड़ तो रही हूं। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्नस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं।